हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। और आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम की चाय के साथ, तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। आज सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, तो मैंने सोचा कि अब शाम हो गई है तो चलो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं चाय बना के पी लेती हूँ, सोई तो नहीं हूँ, बस यही कुछ काम की चीज़ें देख रही थी। और दोपहर का टाइम होता है तो मेरे लिए जैसे रिसर्च का टाइम होता है, मतलब कि जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तब मैं सारी चीज़ें सर्च करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, और जो मैं काम करती हूँ उसके बारे में सर्च करती रहती हूँ। तो बस दोपहर का टाइम मतलब सर्च का टाइम। तो कपड़े भी मैंने आज हाथ से वॉश किए हैं, तो कंफर्ट में भिगो के रखे हैं, तो सोच रही हूँ उनको मैं ड्रायर कर दूँ वॉशिंग मशीन। वैसे तो धूप है लेकिन सोच रही हूँ ड्राई करके सुखाऊं ताकि शाम तक घर में सूख पाए, क्योंकि रात को है ना बारिश हो जाती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है, फिर बारिश में भीगते हैं कपड़े तो कैसे हो जाते हैं। वैसे ही मेरे 4-5 दिन के कपड़े एक साथ हो गए हैं, मतलब कि मैंने फोल्ड नहीं किए, तो एक साथ इतने सारे आज मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं, इतने सारे काम हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग को भी स्टार्ट कर दें, और ब्लॉग स्टार्ट नहीं करेंगे तो ब्लॉग डालेंगे क्या, फिर डालूंगी नहीं तो आप सब इंतज़ार करते रहेंगे। तो कभी कभी मन भी नहीं होता ना ब्लॉगिंग करने का, तो भी मैं ना ऐसे सोचती हूँ कि नहीं नहीं आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे, इस वजह से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। चलो मैं चाय बना लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हमारी ये चाय रेडी है और मैं ऐसे ना कटोरी में चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही मैं चाय पीती हूँ। और जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं मम्मी के घर ऐसे चाय पीती थी, और ससुराल में ऐसे शर्म सी होती थी कि ऐसे मतलब कि ऐसे पीती थी ना, सब हंसते थे कि ऐसे कौन छोटे बच्चों की तरह चाय पीते हैं, क्योंकि हम बच्चों को ऐसे चाय देते हैं, बड़े तो कप और रगा भी पीते हैं, लेकिन मैं उसमें मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे इसमें अच्छा लगता है चाय पीना, तो मैं ऐसे ही चाय पीती हूँ। तो शादी के बाद मुझे ना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था इसकी आदत छोड़ना, फिर यहाँ आ गए तो फिर मैं यहाँ पे अकेली हुई, तो फिर से मैंने इसमें चाय पीना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें चाय पीने का फील ही कुछ अलग है, इसमें या फिर ग्लास में या बड़े कप में, उसमें कम्फर्टेबल होता है चाय पीना। तो चलो मैं चाय पी लेती हूँ। तो ये कपड़े मैंने धो के कंफर्ट में भिगो के रख दिए हैं, तो अब मैं इसको ऐसे ड्राई कर लेती हूँ ताकि हमारे कपड़े रात को घर में सुखाने हो तो आराम से सूख जाए। और कंफर्ट में भिगोने का एक फ़ायदा यही है कि कपड़ों में स्मेल नहीं आती। तो मैं कौन सा कंफर्ट यूज़ करती हूँ, देखो मैं ये वाला फ्लेवर यूज़ करती हूँ, तो इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, और भी है लेकिन वो मुझे नहीं पसंद, ये वाला बहुत पसंद है मुझे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो कपड़े हमारे ड्राई हो रहे हैं, तब तक मैं ये सोच रही हूँ टेबल को भी क्लीन कर दूँ। और अगले वाले जो ब्लॉग में मैंने डोर मैट बताया था, तो आपने जो बोला है कि ये वीडियो शेयर करना, तो मैंने पहले से ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर ही दिया था, जब से मैंने वो स्टार्ट किया है तब से मैंने वो वीडियो स्टार्ट कर दिया था बनाना उसके साथ साथ, क्योंकि मुझे पता है आप सबको वो वीडियो मतलब कि वो आइडिया अच्छा लगेगा। और उससे पहले भी मैंने बहुत बार ऐसे पगलूछड़ियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने क्रिएट की है घर में, जैसे कि ये है देखो, ये भी मैंने हाथ से ही खुद से बनाया है, ये घड़ी का जो वॉच का जो बॉक्स आता है ना प्लास्टिक का, ये उस बॉक्स पे फिर ये पट्टी लगा के बनाया है। ये इसका ढक्कन है जो गंदा हो गया है क्योंकि इसको 2 साल हो गए, तो इसमें क्या करती हूँ मैं ऐसे चिल्लर रखती हूँ, क्योंकि अनिल है उनके पर्स में जो भी चिल्लर होती है तो ऐसे देखो टेबल पे छोड़ जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ इसमें इकट्ठा कर देती हूँ, तो इसमें मैं चिल्लर रखती हूँ। तो ऐसे क्रिएट किया था मैंने, तो ऐसे ही बना दिया था, मैंने सोचा था कि बना दे तो इसमें ज्वेलरी या कुछ भी हम रखते हैं तो अच्छा लगता है, तो ये एक ऐसे बनाया था।
एक ये रहा, और ये मैंने बनाया था टॉर्च जो आती है ना लाइट, उसके बॉक्स में से बनाया था। तो आप जूते की बॉक्स में भी ऐसा बना सकते हो। और इसको भी 4 साल हो गए मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये जो बॉक्स आता है उससे बनाया है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया, कपड़ा लगाया है, और ये मेरे पास पट्टी थी उसमें से ये बनाया है। तो मैंने बहुत बहुत घर में चीज़ें ऐसे क्रिएट की हैं। अगर आप भी ऐसी कुछ चीज़ें क्रिएट करना और सीखना मेरे से चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। जितना मैं जानती हूँ उतना आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो मैंने वो बनाना स्टार्ट किया है, उसका वीडियो मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे पता था कि आपको पसंद आएगा इसके लिए। तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी और बताऊँगी। और देखो घर में ऐसे छोटे छोटे प्लांट भी मैंने रखे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आप सबसे मैं शेयर करूँगी। तो चलो बातें कम करते हैं और काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं ये साफ कर लूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, तो ये सामान सारा इसमें रख दिया। तो ये मैसी मैसी सा नहीं लग रहा और अच्छा भी लग रहा है। और ये भी देखो सिंपल से मैंने बनाया है। तो आप सबको ऐसी कुछ चीज़ें सीखनी है मेरे से तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो ऐसी क्रिएटिविटी के साथ मैं और ज़्यादा वीडियो लेके आऊँगी। बाहर देखो आसमान कैसा हो गया है, लगता है फिर से बारिश आएगी। और बहुत अच्छा लग रहा है ये मौसम देखो। और सामने वहाँ चिड़िया खाना खा रही हैं, और मैंने जैसे बातें की तो उड़ गई। और मैं यहाँ पे लेटी हूँ, कपड़े सारे फोल्ड कर लिए और आसमान के नीचे ऐसे लेटी हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे। और आजकल तो मेरा शाम का टाइम यहीं पे ही होता है, बाहर मैं बैठती हूँ थोड़ी देर, अच्छा लगता है। तो देखो ऐसे नज़ारे देखने को मिलता है, पंछियों का आवाज़ सुनने को मिलता है। तो कुछ देर मैं यहीं पे ऐसे ही बैठी रहती हूँ, नहीं फ़ोन यूज़ करती नहीं कुछ। ये तो मैं व्लॉग कर रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा शूट करूँ ये माहौल कैसा है। देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये चिड़ियों का आवाज़ और ये पेड़ पौधे और ये नेचुरली सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं दुकान पे चली गई थी कुछ सामान लाने के लिए, चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, और ये पास्ता मसाला लिया, और ये बैंडेज क्योंकि मेरे पाँव में थोड़ी सी चोट लगी गई है उसके लिए, और ये थोड़ा सा मसाला। और हमारा दूध भी आ गया है, तो अब मैं पहले रख रही हूँ दूध गर्म करने के लिए, इसको छान के गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये कपड़े का ही नाम आ रहा है, क्योंकि कपड़े का टेंशन रहता है ना, धुले होते हैं फिर उनको धोना सुखाना फिर फोल्ड करना प्रेस करना, इतने सारे काम रहते हैं, तो कपड़ों का ही नाम आ रहा है। तो ये बर्तन धुले हुए हैं सूख गए हैं, इनको भी रखना है। लेकिन कितनी देर से मुझे प्यास लगी है, तो मैं पहले पी लेती हूँ पानी, क्योंकि बहुत देर से प्यास लगी है। लेकिन मैं ये सोच रही थी ये काम कर लूँ उसके बाद पीऊँगी, वो काम कर लूँ उसके बाद पीऊँगी। और यहाँ पर मुझे पर्दे भी स्टिच करने हैं, यहाँ पर खुला है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर पर्दे लगा दूँ, तो मैं कल सिलाई करने बैठूंगी। तो
तो कल स्टिच करूंगी, तो पहले मैं पानी पी लेती हूँ। कितनी देर से प्यास लगी है मुझे। तो पूरे घर का भी सेटअप हो गया है। देखो यहाँ पे भी मैंने बेडशीट लगा दी और वो ठीक कर दिया, और ऑल आउट चालू किया था। इतने मच्छर मरे हैं, फिर से इतने मच्छर हो गए, इतनी मच्छर की प्रॉब्लम हो रही है। तो और वहाँ पे बॉक्स रखा है, तो मैंने एक और बॉक्स लेके आई हूँ ज्वेलरी का, जो मतलब कि हम ऐसे एयरिंग होते हैं, नेकलेस होता है, इतनी सारी हमारी चीज़ें होती हैं जो हम एक बॉक्स में रखते हैं तो इधर उधर हो जाती है। तो मैंने एक बॉक्स लेके आई हूँ, तो वो अरेंज करूँगी। तो उसके वो जब अरेंज करूँगी, उससे पहले मैं उसको भी सजाऊंगी। तो ऐसे ही अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँ। तो आपको भी ऐसा कुछ आइडिया आएगा, आप भी अपने घर में कुछ अलग अलग चीज़ें एंड डेकोरेशन कर पाओगे, और मैं भी अपने घर को सजाऊंगी और आप भी अपने घर को सजाओगे। तो अभी अभी कॉल भी आया था कि हमारा पहले होना ऐसा होना था कि दोबारा शूटिंग होने वाली थी, तो वो शूटिंग भी कैंसिल हुई है। अब जो शूटिंग हुई है उससे ही हमारा सॉन्ग बन जाएगा, और बस पहला सॉन्ग है हमारा तो वो भी आ जाएगा। और दूसरे सॉन्ग के भी ऐसी बातें चल रही है कि सॉन्ग है, शूटिंग है, ये है, वो है। लेकिन मुझे ना ज़्यादा ऐसे ब्लॉगिंग में अच्छा लगता है, ये ब्लॉगिंग करना और इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना। और सॉन्ग में देखते हैं आगे क्या होता है, जाऊंगी या नहीं जाऊंगी कुछ भी नहीं पता। तो वो अब शूटिंग नहीं होगी, बस हमारा वॉइस का जो एडिटिंग का काम है तो वो करूँगी। और इसके ऊपर मैंने जो ब्लॉग बना के रखा है, तो उसमें भी अब मैं उस ब्लॉग को एंड करूंगी, और वो ब्लॉग भी मैं 2-3 दिन के बाद तो वो ब्लॉग भी 2-3 दिन के बाद डाल दूंगी। तो यहाँ पे देखो कितने सारे, आपको तो नहीं दिखाई देंगे और मैं बोल रही हूँ यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इतने सारे मच्छर मरे। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा झाड़ू लगा के इन मच्छरों को साइड में कर दूँ। और शाम का टाइम है, तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं घर से बाहर कचरा नहीं जाना चाहिए शाम के टाइम, तो हम बाहर कचरा नहीं डालेंगे। बस ये मच्छर है जो पैर में आ रहे हैं और नीचे फिर रेड रेड खून के दाग हो जा रहे हैं, तो वो तो अच्छा नहीं लगता ना। तो इसके लिए मैं मच्छरों, इतने सारे मच्छर हो गए मेरे घर में, परेशान हो गई हूँ। और नीम का धुआं करूँगी तो मुझे खांसी से एलर्जी है, तो वो भी नहीं कर पाऊँगी। और गला भी थोड़ा सा ऐसे टॉन्सन हो गए हैं, तो गला भी थोड़ा थोड़ा दुख रहा है। और कपड़े फोल्ड करके बाहर रखे, तो पहले वो मैं कपड़े लेके यहाँ पे रखूँ और फिर अलमारी में रख दूँ। तो चलो ये काम कर लेती हूँ पहले मैं, और शाम का खाना भी देखती हूँ क्या बनाना है, क्या बनाऊँगी। तो चलो इस व्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। और शाम को तो मुझे लगता है मैं खिचड़ी ही बनाऊँगी, क्योंकि गला मेरा दर्द कर रहा है। और सोच रही हूँ अब कंटिन्यू होके रोज़ एक व्लॉग डालूँ। तो आप बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सबको शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो, आपके फ्रेंड को सबको बोलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे जल्दी से मेरे चैनल को मोनेटाइज करवा दो। तो बस मैं तो मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मेन सब आप ही लोग हो जो जितना भी मुझे सपोर्ट करोगे उतना मैं आगे जाऊँगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।